करके जो ना आर्मी के आर्मी के जो जो वॉलंटियर वॉलंटियर नहीं है जो वो कुछ भी काम कर सके, यानी अपने गनों के लिए उसके लिए थोड़ा नहीं अपने बारूद वगैरह वो बैंकरों से लाए करें। हम लोग जो ना डेजर्ट में तेरे नहीं डेजर्ट रेगिस्तान पूरा यानी बदीन वगैरह और बोझ यानी पूरे इस इलाके में पूरा डेजर्ट है। आप लोग लगे नहीं होंगे शायद, हम खुद आर्मी के ही हैं, हमारे मेरे वाले साहब भी आर्मी, किसके वाले साहब भी आर्मी, ठीक है। बाहर हाल है भी होती है, नौकरी भी होती है, उसको बोलो ना इधर जो बहुत मुश्किल है, बहुत कौन से हमारे बेचारे सब गदार गदार लोग जो बंगाली उनको भेज दिया ना, उनको भेज दिया और ये जो है ना उनको सब जगह मालूम था क्या ना, बेटर आदमी मेहमान है। बंगाली लोग जो थे ना हमारे आर्मी में था ना, कोई ऑफिसर भी थे उसमें, सोल्जर भी थे, तो उन लोगों को हमारा सब ये पूरा नहीं है, ये आर्मी बेसिस और जो सीक्रेट वो है आर्मी का मालूम था उन लोगों को। जब इन लोगों को रिपोर्ट किया उधर ना, तो उन लोगों को तो मालूम था पूरा जो इंडिया के जासूस वो पूरे हुए वो पूरा दिखा है सब कुछ, इधर ये है, इधर इधर बेस है, इधर आर्मी कैंप है, इधर जो है ना पेट्रोल टैंक है, इधर ये आर्मी का ये है। बहुत बहुत जरूरी लोग यार बंगाली लोग। फिर वो लोग क्या करते थे हमारे तक, क्यों हम लोग को दो जो ना दो सेक्टर में जो ना वो लड़ाई करना पड़ा, एक बंगाली बेंच होते पीछे से बंगाली जैसा नहीं जो कि नरे स्वेज मूसा अलैहि सलाम और फिर ऑन का वो था ना आगे नरे स्वेज स्वेज था दरिया था और पीछे फिरौन था। मूसा अलैहि सलाम की कौम ने बोले या अल्लाह अभी हम किधर जाएंगे, एक तरफ समंदर है और पीछे से फिरौन है, फिरौन का फौज है एकदम ताज़ा दम फौज और बहुत हर चीज से लैस। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि हमारा रब हमारे पास है, हमारे रब हमारे पास है, डोंट बी अफ्रेड, इंशाल्लाह आप लोग फिक्र नहीं करो, अल्लाह जो है ना हमको अल्लाह हमारा साथ है, बस अल्लाह हमको बचाएगा इससे हम लोग। फिर क्या हुआ कि बारह रास्ते जो है अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को बोला कि ये लाठी उसने इस्तेमाल किया था ना, उससे दहा बन गया था, वंस ही हैज यूज्ड अमसानी तो उससे पूरा अमसान बड़ा अमसान बन गया और 70,000 कुछ जो उनके वो थे नहीं अपने फिरौन के जो जादूगर थे मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए उसने तैयार किया था जादूगर कि मूसा बड़ा जादूगर है लेकिन वो तो पैगंबर था तो उसके लिए उसने इकट्ठा किया था। और फिर जब उन्होंने अपना ठीक है मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले कि ठीक है फर्स्ट लेट ट्राई योर क्या बोलते हैं जादूगर, अब जादू तुम्हारा जादूगर हमको जो है ना खेलने दो उसको जादू करने दो उनके। जब उन लोगों ने पूरा वो किया जादूगर ने कुछ नहीं किया मूसा अलैहिस्सलाम का, उन्होंने बोले अल्लाह ताला ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम को वो हुक्म दिया अपना आसार या सा है ठीक है जो तुम्हारा आसा है यो इस चीज़ के जरिए से आप जो है ना वो चलते हैं आप सपोर्ट इस चीज़ के सपोर्ट से वो इसको फेंको। तो वो जब उसने अमसा फेंका तो वो एकदम अजदहा बन गया बड़ा और पूरा अजदहा नहीं सांप एक बड़ा सांप मोटा और उसने पूरा वो नहीं अपने वो जो पैरों के जादूगर थे उनके जो जादू था उनके पूरा हरे उनके सांप वो सांप थे एक सांप एक सामने पूरा सांप वो जो हजारों सांप थे पैरों के जादूगरों के वो एकदम उसको हरप कर डाला खा लिया उनने खा लिया। क्या हुआ फिर उसने क्या बोला फिर उसको उनके जादूगरों ने हम लोग जो है ना वी बिलीव मूसा एंड हिज अल्लाह एंड और अल्लाह के रसूल मूसा 70,000 के जो फौज थे ना जो जो उनके जादूगर थे उसी को मानते समझिए ना तो बात किससे सुनते थे ये बंगाली होगा समझ गया तू शक्कर हो गया तो उन वजह से हो गया नहीं बंगाली हमारे वापस कैसे आई
वो उसने तो इंडिया वाले ने कैच कर दिया ना सारे सारे वो फिर वो काले में आते थे ना वो काले से चौड़ी से फिर वो अपने गांव में फिर जाते थे वो आ गया न्याजी गया तो फिर उस वक्त में जो हालात बहुत खराब हो गया था। आपके दोस्त उधर ही बैठे आ रहे कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं आ रहे। यहाँ से लोग अब वलीमे के लिए जा रहे हैं, सामने वाले घर में यहाँ वहाँ पर वलीमे का इंतज़ाम था, सारे मिलकर जो है वो खाना खाने जा रहे हैं। हमने थोड़ा लेट ही खाया था खाना। जी अस्सलाम वालेकुम, आज मैं अपने पुराने कोलीग्स के साथ मिल रहा हूँ अस्करी सीमेंट में। हम लोग जो है वो काफ़ी अरसा साथ रहे हैं। ये मिस्टर आसिम है, तो इनके साथ हमारा बहुत अच्छा जो है टाइम स्पेंड हुआ है। और ये मिस्टर सिकंदर हैं, इनके साथ भी। और ये मिस्टर ज़ैनुल्लाह साहब, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है इनके साथ। ये हमारी बो जो है ना वो टांग खींचते थे, खाने के ये मास्टर हैं। और ये मिस्टर ज़हीर है, इनको हमने अमीर साहब का लकब दिया हुआ था। बहुत अच्छे जो है ना इंसान है, और इनको हम बहुत ज्यादा तंग करते थे। ये मिस्टर आसिम जो है ये कुछ बयान करेंगे। जी मिस्टर आसिम साहब, अल्लाह का शुक्र। आसिम भैया आप सुनाएं कैसे हैं? कैसा फील कर रहे हैं आप हमारे बगैर? ये क्वेश्चन जो है ना वो काफी इसका जवाब देना मुश्किल है। बहुत अच्छा टाइम वहाँ पर गुजरा है, और ऑफ कोर्स इस चीज की कमी काफी ज्यादा फील होती है हमें। बिल्कुल आप जैसे भाई हमारे पास थे। बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम जो है ना हमारा गुजरा है वहाँ पर अस्करी में। और ये चैनल जो इनका ये मेरी वजह से बना है। बिल्कुल इसके साथ बैठकर रात को 4-4 बजे तक जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये ठीक कह रहे हैं। हम लोगों ने टेक्निकल चैनल बनाया था, और आसिम भाई की बहुत ज्यादा मेहनत है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने अपने चैनल पर जितने सब्सक्राइबर और उसके बाद जो हर वीडियो पर वाचा टाइम है इनको मिल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी। पहले मैं बहुत ज्यादा नाराज था इनसे, ये मेरे से नाराज हो गए थे, मैंने चैनल पे जो है वो काम करना छोड़ दिया था। लेकिन अच्छा आसिम भाई आप बताएं कि आपका चैनल कैसा चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा चैनल अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, टेलीकॉम टेक था मेरा चैनल, लेकिन दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया। मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑनलाइन वर्क मैंने स्टार्ट कर दिया उस पर, और काफ़ी अच्छी अर्निंग है उसकी भी। वो है बेसिकली लेडीज क्लॉथिंग के लेना है, क्लॉथिंग का है। ठीक है। उसका जो यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया है वो है प्रिसास कलेक्शन के नाम से। ठीक है। उम्मीद है कि अनकरीब आप उसकी उस ब्रांडिंग की लॉन्चिंग जो है देखने को मिलेगी मेरे उसी यूट्यूब चैनल पर। और मैं कहता हूँ कि अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो दूसरा चैनल भी इंशाल्लाह अनकरीब आपको देखने को मिल जाए। चलें माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको जो है वो कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल। और कुछ कहना चाहेंगे मेरे बारे में, मेरी वीडियोस के बारे में? आपकी वीडियोस के मुताबिक मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह कंटेंट वर्किंग आपकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। इसको इसी तरह कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू। कि जो चीज़ आपके माइंड में चल रही है वो आपको हासिल हो जाए। और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी पूरी टीम जो साथ आई है, मेरे तमाम फ्रेंड्स की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको कामयाबी दे। Best of luck in your future endeavors. Thank you, ज़ैनुल्लाह साहब। Inshallah. शादी अटेंड करने के बाद, वलीमा अटेंड करने के बाद वापसी का हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया था, और बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। थैंक यू मिस्टर असवंत फॉर योर हॉस्पिटैलिटी एंड एवरीथिंग। और बहुत अच्छा लगा आपके गांव आके, एक काफ़ी अच्छी जो है वो गैदरिंग हो गई थी, और सारे दोस्तों के साथ जो है वो मिल लिया था हमने। तो
बस फ्रेंड्स अपनी गैदरिंग रखें दोस्तों के साथ, यही प्रीशियस टाइम होता है। जब आप दूर चले जाते हैं दोस्तों से तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो याद आती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगा आपको, दुआओं में याद रखिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।